हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु दगा, स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर पर छोटा सा म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहते हो 300-400 रुपये लगाकर छोटा सा म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। और आपको इसके सारे कनेक्शन बताऊँगा और क्या क्या रुपये का कितना कितना सामान आता है, सब कुछ आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा एक एम्पलीफायर बोल सकते हो, म्यूजिक सिस्टम बोल सकते हो, यह है वो चीज़ है। तो गाइस, इसमें जो है अभी एक इसका मेन ट्रांसफार्मर नहीं है जो कि 012 का होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 012 का ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमें मिल जाएगा 100 से 120 रुपये का, जो है आसानी से मिल जाएगा 100-120 रुपये का, ठीक है गाइस। और इसमें एक ये इसकी 62-83 की जो है प्लेट लगी हुई है, ये मिल जाएगी 40 रुपये की, ठीक है। और बाकी एक इसमें ब्लूटूथ पैनल लगा हुआ है आगे की तरफ जो कि मिल जाएगा 80 रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स। और एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि मिल जाएगा 60-70 रुपये का। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं 10-10 रुपये के में ये वॉल्यूम टोन मिल जाती है, ये हमारा इसमें खर्चा आएगा, बाकी इसमें और कुछ खर्चा नहीं आने वाला है। तो मैं आपको इसके फुल कनेक्शन करने बताऊंगा और आप अपने घर पर छोटा सा म्यूजिक सिस्टम तैयार कर सकते हो और बहुत ही अच्छी साउंड देता है, ठीक है गाइस। बिजली से चलाइए आप या फिर डीसी से भी चला सकते हो और एसी से भी चला सकते हो। तो गाइस, ये हमने टोन लगाई है, इससे हमने इस पर ऑन ऑफ के कनेक्शन दे दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर के वायर हमने आउटपुट के यहाँ लगा दिए हैं जो ट्रांसफार्मर की 012 है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा ब्लूटूथ पैनल हो गया है, ठीक है, बीटी बोर्ड जिसे हम ब्लूटूथ बोर्ड बोलते हैं, ब्लूटूथ पेन ड्राइव बॉक्स जो भी आप चलाना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें सिस्टम है, आप लोग इसका हिसाब जोड़ लेना कितने का बैठेगा, ये ज़्यादा पैसों का नहीं बैठेगा, 400 से कम कम में ही ये पड़ जाएगा। और अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, आप इससे एक आध स्पीकर और भी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने पैनल के तार लिए, ठीक है, 0.5 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे ब्लैक और रेड तार हमारे गए पैनल के जो कि ब्लूटूथ पैनल के, और ये हमारे इसके सप्लाई पर चले गए मेन पर, ग्राउंड पर प्लस 5 वोल्ट पर, ठीक है। और इसकी हमने ऑडियो दे दी है अपने वॉल्यूम पर जो कि ऑडियो आउटपुट होगी बोर्ड में से, ये चली गई हमारी ऑडियो आउट होकर यहाँ से वॉल्यूम पर, ठीक है। जो सी हमारे बेस ट्रबल ये काम करने वाली गाइस, ये बेस ट्रबल जो है बनी हुई है, ना कि इसमें कोई बेस ट्रबल का बोर्ड लगा हुआ है। और मास्टर वॉल्यूम से होते हुए ये हमारे बोर्ड में चले गए यहाँ पर, ठीक है गाइस। इस प्रकार से इसके खाली कनेक्शन हो जाते हैं। और बाकी आप स्पीकर के तार लगा लीजिए, स्पीकर के तार लगा के और ये जो है चालू हो जाता है, ठीक है गाइस। ये स्पीकर हो गया हमारा, आप लोग देख सकते हैं, ये 4 इंच का स्पीकर है। आप इस वाली 72-83 की प्लेट से 3 या 4 स्पीकर आराम से चला सकते हो, 4 इंची के काफ़ी अच्छे बजते हैं। तो गाइस, चलिए इसकी थोड़ी सी हम साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग छोटा सा म्यूजिक सिस्टम 300-400 रुपये के लपेट में आप बना सकते हो और बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पैक कर लिया है और ये चालू हो चुका है बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके। तो चलिए